वेलकम टू नॉइसेस ऑनलाइन ट्यूटर डॉट कॉम। स्टूडेंट, आशा रखता हूँ कि इसके पहले का दो वीडियो आपने देखा होगा, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन रिलेटेड। अभी हम इस वीडियो में और भी कुछ फार्मूलाज का डेरिवेशन कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस फार्मूला के बारे में, फार्मूला नंबर 6 क्या है कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन ऑफ 3x, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब होता है। सिमिलरली 3 ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। एंड 3 ऑफ टेन इनवर्स x इक्वल टू, दिस ऑल आर द फार्मूला ए बी सी इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है, राइट। नाम हम इसको एक एक करके प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे हैं। तो पहले दिस वन, नाउ लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, ओके। देन x इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा। नाउ साइन 3 अल्फा का फार्मूला क्या है, साइन 3 अल्फा फार्मूला है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 साइन अल्फा इक्वल कितना है एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब। तो 3 अल्फा इक्वल कितना होगा, 3 अल्फा इक्वल होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यूब। तो इसका मतलब अल्फा इज 3 अल्फा। नाउ अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यूब, ओके। तो सिमिलरली हम दूसरा वाला जो फार्मूला है उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का फार्मूला ये है 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन प्रूफ कैसे होता है, ओके। लेट टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू होगा x। नाउ हमें पता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा इज इक्वल लिखेंगे साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अरे थीटा नहीं, एक मिनट। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हमें एक और एक हमें क्या पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ
देन हम क्या लिखेंगे कि टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर और टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन सिमिलरली टेन टू थीटा इक्वल टू टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो टू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सभी फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया और आगे हम इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारा मैथमेटिक्स करेंगे डिफाइंड लेवल का मैथमेटिक्स करेंगे और मैथमेटिक्स करने के टाइम में हम इंडिकेट करेंगे डिफाइंड मैथमेटिक्स में कहाँ उसका ट्रिक्स छुपा हुआ है उसको शॉर्ट मेथड में कैसे करेंगे और कहाँ गलती होने का चांसेस है। तो आगे का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।